यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है और प्रियंका गांधी को ट्विटर वाली नेता बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन लगातार प्रियंका गांधी ट्विटर के जरिए योगी सरकार पर हमला बोलती रही हैं और इसे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है प्रियंका गांधी पर और उन्हें ट्विटर वाली नेता बताया है। भाई के अमेठी लोकसभा सीट हारने के बाद चली गई, वो क्या कहती है कोई मायने नहीं रखता है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रियंका ने बयान दिया था और तमाम और भी मसलों को लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी योगी सरकार पर हमला करती आई हैं ट्विटर के जरिए, उनसे कई बार कई तरह के सवाल पूछे गए हैं, चाहे कानून सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के लिए क्या कुछ काम किए गए हैं, चाहे तमाम अपनी योजनाओं को लेकर ही क्यों ना उन पर हमला बोला गया हो। लेकिन इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने, यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने उल्टा यहां पर प्रियंका गांधी पर हमला बोल दिया है और उनको ट्विटर वाली नेता बताया है।